तो नमस्कार दोस्तों, आप देखो जैसम और मैं हूं आकाश, लेके आपके लिए नई वीडियो सैमसंग नोट 8 और आईफोन 8 प्लस के कैमरा कंपैरिजन की। दोनों ही टॉप नॉच डिवाइसेस हैं, तो वीडियो एंड तक देखिए, पूरी देखिए, ताकि आप भी देख सके दोनों कैमरा कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आज सैमसंग नोट 8 और आईफोन 8 प्लस जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है कल ही, उसके कैमराज की। अगर आप इस साइड पे देखो, आपको देख रहे हैं आईफोन के कैमरा के स्पेसिफिकेशन, दूसरी साइड पे आपको देख रहे हैं नोट 8 के कैमरा के स्पेसिफिकेशन। तो दोनों ही लो लाइट में काफी ज्यादा वर्किंग कैमराज हैं। तो कंपेयर करेंगे हम वन बाय वन ऑल मोड्स में, हमने इसको लो लाइट में और डे लाइट में काफ़ी इसकी फोटोज खींची है, सभी तरह का हमने सेम एंगल सेम लाइटिंग में टेस्ट किया है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। और पहला हम देखते हैं डे लाइट में वीडियो और बात करते हैं आगे। दोनों में HD मोड ऑन है, जैसे कि डिफॉल्ट एप्पल में होता है। स्टेबलाइजेशन ऑन है, सैमसंग में भी 4K वीडियो है सैमसंग की और डिफॉल्ट है एप्पल का। तो आप यहाँ पे पहले ऑटो वाइट बैलेंस देखिए, ठीक है, कलर सैचुरेशन, जो एप्पल में सैचुरेशन थोड़ी बढ़िया है ऑटो वाइट बैलेंस। यहाँ पे क्लाउड्स एप्पल ने अभी क्लियर किए, ओके, जबकि सैमसंग में थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप देखिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा ऑटो फोकस का, तो ओके, ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप कलर देख रहे हो, एप्पल में थोड़े डार्क हैं, सैमसंग में थोड़े लाइट हैं, बाकी आप खुद चेक कीजिए। जो सामने कलर है दीवार का वो ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है सैमसंग, एप्पल थोड़ा सा डार्क दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखिए, मैं नॉर्मल चल रहा हूँ, ओके। अगली वीडियो में हम टेस्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को, जो कि हमने बस में ड्राइव करते हुए, हम बैठे थे बस में, उसमें किया है। तो वो भी आप देखिए और हमें नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी OIS आपको बढ़िया लगी, सैमसंग की या आईफोन 8 प्लस की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो आगे और बढ़ते हैं आगे। देख सकते हो, देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, पिछली वीडियो आपने देखी, OIS किसका आपको बढ़िया लगा, आईफोन का या सैमसंग का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं आपको, वो वीडियो लो लाइट में थोड़ी कैप्चर की हुई है, 5 बजे के करीब का टाइम है शाम का और थोड़े बादल वगैरह थे तो लो लाइट थी, ठीक है। उसमें कलर सैचुरेशन, ऑटो वाइट बैलेंस, सभी कुछ मेरे को एप्पल में बढ़िया लगा। अगर आप टोनिंग की बात कर रहे हो, अगर आप क्लैरिटी की या फिर इमेज डिटेल की बात कर रहे हो, वीडियो की डिटेल की बात कर रहे हो, किसमें ज्यादा बढ़िया समझ आ रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे आईफोन में लगा। बाकी आप वीडियो देखिए और मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं सही हूँ या फिर सैमसंग यहाँ पर बढ़िया रहता है। ये वीडियो सैमसंग में है फुल HD 2K, उसके बाद क्या UHD सॉरी, और उसके बाद HDR ऑन, स्टेबलाइजेशन ऑन, और आईफोन में भी ऑटोमेटिकली होता है। तो आप कलर सैचुरेशन पहले देखिए, ठीक है, और ये देखिए फोकस,
तो अगर हम स्काई की तरफ देखते हैं तो सैमसंग में काफ़ी है, ये ऑटो फोकस भी कर रहा है आपके सामने, और ऑटो वाइट बैलेंस, उसके बाद कलर सैचुरेशन, तो फोकस देखिए आप, ऑलमोस्ट सेम है। पर अगर ओरिजिनलिटी की बात करें तो आईफोन में थोड़ी सी ज़्यादा है, और यहाँ पे मैं 2x कर रहा हूँ सैमसंग में भी, सॉरी आईफोन में भी, और यहाँ पर ओके तो आप खुद चेक कीजिए। लो लाइट में दोनों थोड़ी सी लो है, इतनी नहीं। अगर यहाँ पर देखें, देख सकते हो आप, तो आईफोन का कैमरा और सैमसंग आईफोन को ज़्यादा क्लियर है। ओके तब देखिए आप, यही है इसका फुल HD वीडियो। ऑब्वियसली आईफोन ज़्यादा क्लियर और सैचुरेटेड और ओरिजिनल दिखा रहा है। तो अभी आपने देखी लो लाइट में वीडियो, कैसी आपको लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा और बात करके, तो आप अपने सुझाव बताइए मुझे या फिर क्या आपको लगा, ठीक है। अभी जो हम अगली वीडियो देखने जा रहे हैं वो है फ्रंट फेस कैम की, उसमें OIS मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा एप्पल में। कलर सैचुरेशन सैमसंग थोड़ा डार्क कर देता है कलर को, और जो स्टेबलाइजेशन है मुझे एप्पल में ज़्यादा बढ़िया लगी सैमसंग की बजाय। तो जो उन्होंने वहाँ पे वीडियो इवेंट में दिखाया था, पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने दिखाया, मगर अगर आप अभी इसे आईफोन के साथ कंपेयर करते हो तो मुझे तो एप्पल बढ़िया लगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और देखिए वीडियो आगे। तो यहाँ पर जो वीडियो बन रही है वो है आईफोन का सेम जो डिफॉल्ट मोड होता है, और सैमसंग का जो टिल एंड है, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, फुल HD या QHD जो भी है, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसी क्लैरिटी आ रही है, पर आईफोन लुकिंग मच बेटर। अगर आप देखो सैचुरेशन, कलर सैचुरेशन, उसके बाद काफ़ी, अगर आप दूसरे कैमरे की बात करोगे जो मेन हमने बनाया है तो उसमें आप चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि क्लैरिटी किस में है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, अभी कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दिखाएंगे तो आप खुद डिसाइड करना और देखना क्या डिफरेंस है, क्या एप्पल ने अपडेट दी है, ठीक है। तो ये आपने क्लैरिटी चेक कर ली, यहाँ पर आईफोन की भी आप चेक कर रहे हो और यहाँ पर सैमसंग की भी, ठीक है। मेरे पास है सैमसंग नोट 8 और सनी के पास है आईफोन 8 प्लस। तो चलिए इसे अभी ख़त्म करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी फ्रंट फेस कैम की वीडियो। अगर आपने देख लिया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी वीडियो बढ़िया लगी सारी वीडियो में से, और इस वीडियो में भी जो हमने फेस कैम से बनाई है। अगर मेरी बात करें, मैंने पीछे भी आपको बताया इससे पीछे कि मुझे फेस कैम में भी जो फ्रंट कैमरा है उसमें भी मुझे एप्पल का ज़्यादा बढ़िया लगा। जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो मुझे एप्पल में ज़्यादा बढ़िया लगा। कलर सैचुरेशन है, उसके बाद में कलर की ओरिजिनैलिटी डिटेल वाइज एप्पल में मुझे सही लगा। तो बाकी आप नीचे हमें जरूर बताइए। आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ एक फोटोज जो हमने सेम एंगल सेम लाइटिंग, जैसे कि वीडियो को भी हमने सेम एंगल सेम लाइटिंग सेम कंडीशन में अपना शूट किया है, इसी तरह वो हमने फोटोज भी क्लिक किए हैं। तो आप वो फोटोज को भी देखिए और हमें नीचे बताइए कि आपको कौन सी फोटोज बढ़िया लगी, कि एप्पल की या फिर सैमसंग की। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियोज तो होगी, हम देखते हैं फोटो आगे और बढ़ते हैं आगे।
तो हाँ जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंपैरिजन किया आईफोन 8 प्लस और सैमसंग का नोट 8। उसके बाद आगे हम कंपेयर करेंगे आईफोन 7 प्लस और सैमसंग का एस 8 प्लस, जो कि डिफरेंट कैटेगरी में नॉच डिवाइस है सैमसंग की। अगर हम बात नोट की करें, ये अलग कैटेगरी का है, और अगर हम बात करें सैमसंग एस 8 प्लस की तो वो अलग कैटेगरी का है, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, हमें बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, और अगर कोई कमी पेशी रहेगी वीडियो में ताकि वो हम आगे पूरी कर सकें और बना सकें वैसी वीडियो जैसी आप चाहते हो। वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर आपको पसंद आई, या शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक बता सकते हैं, पर साथ में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या कारण है आपने वो डिसलाइक बटन दबाया, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन। अगर आप ये बेल आइकन दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी जब हम अगली वीडियो डालेंगे। अगर नहीं दबाओगे, सब्सक्राइब किया है तो भी आपको वीडियो तो दिख जाएगी आपके होम के ऊपर, पर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले देखें आप। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देखोगे, मैं हूं आकाश, नमस्कार, खुश रहिए।